फ्रेंड्स वेलकम टू माई क्लास टूडेजर चैप्टर इज चैप्टर नंबर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि ये मटेरियल्स को पूरे जिसम में ट्रांसपोर्ट करता है कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं पहला कंपोनेंट है हर्ट यानी दिल ब्लड खून ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी शामिल हैं आर्टरीज़ कैपरीज और वेन्स तीन तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में तो स्टूडेंट्स हमने बात की सर्कुलेटरी सिस्टम की कि ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का फेल सर अंजाम देता है और इसके तीन कंपोनेंट्स हैं यानी हर्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स तीन तरह की ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज कैपरीज और वेंस आज की क्लास में हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे द हर्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन सेंटर ऑफ द चेस्ट दिल एक सुकड़ने फैलने वाला ऑर्गन है जो हमारी छाती के सेंटर में पाया जाता है इट हैज फोर चैम्बर्स इसके चार खाने हैं द अपर टू चैम्बर्स थिन वॉल्ड नॉन एज एट्रिया ऊपर वाले जो दो खाने हैं वो पतली दीवारों वाले हैं और उन्हें हम कहते हैं एट्रिया द लोअर टू चैम्बर्स थिक वॉल्ड एंड नॉन एज वेंट्रिकल्स और जो निचले दो खाने हैं वो मोटी दीवारों वाले हैं यानी थिक वॉल्ड हैं और उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स हार्ट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी दिल क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसम के तमाम हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मुराद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड तो हर्ट क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसम के तमाम हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करता है ताकि बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके और वो खुराक के ऑक्सीडेशन कर सकें एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स और डी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है फेफड़ों की तरफ फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेटिंग फ्रेश ऑक्सीजन ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके और ताज़ा ऑक्सीजन हासिल की जा सके यहाँ पे वो कह रहा है डी ब्लड डी ब्लड से क्या मुराद है ये ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड तो दिल का काम क्या है कि यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा सके और फ्रेश ऑक्सीजन हासिल की जा सके तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है हर्ट के बारे में कि हमारा दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी छाती के दरमियान में पाया जाता है इसके चार खाने हैं ऊपर वाले दो खाने पतली दीवारों वाले हैं और उन्हें हम कहते हैं एट्रिया और नीचे वाले दो खाने मोटी दीवारों वाले हैं और उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स दिल का काम क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाला जा सके और फ्रेश ऑक्सीजन हासिल की जा सके अब हम हर्ट के डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये हर्ट नज़र आ रहा है इसमें ये ब्लड वेसल्स हैं इन्हें हम कहते हैं वेंस इनका काम ये है कि ये ब्लड को बॉडी से वापस हर्ट की तरफ ले आती हैं ये वाली ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं इनका काम ये है कि ये ब्लड को हर्ट से दूर ले जाती हैं यानी कि बॉडी की तरफ़ और लंग्स की तरफ़ यहाँ पे आपको क्रोनरी ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं क्रोनरी ब्लड वेसल्स वो हैं जो हर्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं ताकि वो ऑक्सीजन और फूड हासिल कर सकें नेक्स्ट यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि हर्ट के जो फोर चैम्बर्स हैं उनमें से ऊपर वाले जो दो चैम्बर हैं उनको हम कहते हैं एट्रिया ये पतली दीवारों वाले हैं और नीचे वाले जो दो चैम्बर्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स और ये मोटी दीवारों वाले हैं नेक्स्ट आज है, circulatory system? Circulatory system के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है वट आर द कम्पोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं तो इसमें हमने पढ़ा है हर्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स तीन तरह की ब्लड वेसल्स हैं यानी आर्टरीज कैपलरीज और वेन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशियट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो एट्रिया की बात करते हैं द अपर टू थिन वॉल्ट चैम्बर्स आर नॉन एज एट्रिया यानी कि जो ऊपर वाले दो खाने हैं पतली दीवारों वाले उन्हें हम कहते हैं एट्रिया। एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर ऑफ थिक वॉल्ट एंड नॉन एज वेंट्रिकल्स और निचले जो दो खाने हैं वो मोटी दीवारों वाले हैं और उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और फिर इसमें से हमने हर्ट को डिस्कस किया है साथ में हमने हर्ट के डायग्राम को डिस्कस किया है आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स